अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव साइंस एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन बेसिकली टू स्टेट्स को बयान करता है कि एक बॉडी किस स्टेट में होगी। यहाँ पर हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक रेस्ट है एक मोशन है। आइए देखते हैं रेस्ट स्टेट कौन सी होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक जिस्म रेस्ट स्टेट में होगा अगर इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि वो अपने इर्द गिर्द जो उसकी चीज़ें हैं उनके हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट हालत में होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज एन इलेक्ट्रिक पोल, एक बिजली का खंभा है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, वो रेस्ट की हालत में है। नंबर टू एग्जाम्पल है हमारे पास अ स्टैंडिंग बिल्डिंग, एक इमारत है, वो रेस्ट की हालत में होती है हमेशा, वो कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करती। इसी तरह हमारे पास जो तीसरी एग्जाम्पल है अ क्लॉक ऑन वॉल, दीवार पर एक क्लॉक लगा हुआ है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, वो मुसलसल वहीं हैंग करता है, इसलिए वो भी रेस्ट की फेज में होगा। अब दूसरी टर्म हमारे पास है मोशन, यानी कि बॉडी जहाँ रेस्ट में हो सकती है या मोशन में। हमने रेस्ट का डिस्कस कर लिया है, अब हमारे पास दूसरी स्टेट है मोशन की। अब हम देखते हैं मोशन में बॉडी कब और कैसे होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन, आगे कंडीशन कौन सी है, इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि मोशन में वो बॉडी तब होगी जब वो अपनी सराउंडिंग यानी कि उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनके हिसाब से अपनी पोजिशन चेंज कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बस मूविंग ऑन रोड, एक बस सड़क पर जा रही है, वो मोशन की हालत में होगी क्योंकि वो सड़क पर मौजूद जो चीजें हैं, दरख्त आते हैं या कोई लोग ऑब्जर्वर खड़े हैं या कोई और चीजें हैं, उनके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मुसलसल एक साइड से ट्रेवल कर रही है, तो वो मोशन की हालत में होगी। नंबर टू हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो अ फ्लाइंग एरोप्लेन, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, मतलब कि वो भी मोशन की हालत में है, यानी कि कोई भी चीज जो हरकत कर रही हो वो मोशन की हालत में होती है। अब इनका अगर कंपेरिजन देखा जाए कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि रेस्ट में वो जिस्म साकन होता है, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा होता, वो हरकत नहीं कर रहा होता, एक जगह खड़ा होता है, जबकि मोशन में, मोशन की ये शर्त है कि वो जिस्म हरकत कर रहा हो, वो अपनी मुसलसल अपनी जगह चेंज कर रहा हो, ये इनका बेसिक डिफरेंस आता है। इसके अलावा एक इनकी रिलेटिव कंडीशन भी आती है, यानी कि एक दूसरे के हिसाब से जो रिलेशन बन के उसकी भी कंडीशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस में बैठे हैं, आप अपने साथ वाली जो सवारियां होंगी उनके हिसाब से रेस्ट की स्टेट में होंगे, क्योंकि आप और आपकी वो दूसरी जो आपके सराउंडिंग में सवारियां हैं उनके हिसाब से वो जगह चेंज नहीं कर रही, इसलिए आप रेस्ट की हालत में हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जो सड़क किनारे खड़ा आपको देख रहा है, हम लेट्स सपोज उसे ऑब्जर्वर कहते हैं, उसके हिसाब से आप मोशन की स्टेट में होंगे क्योंकि आप बस में बैठे हैं, बस जो है वो मूव कर रही है, इसलिए जब बस मूव कर रही है तो आप भी साथ मूव कर रहे हैं, तो वो आपको यही समझेगा कि आप मोशन की स्टेट में हैं। इस तरह ये एक रिलेटिव रिलेशन भी इनका बनता है, लेकिन जब ये अकेले अकेले वैसे जनरल हम इन्हें लेते हैं तो इनकी यही डिफाइन है, लेकिन जब रिलेटिव रिलेशन में आते हैं तो वो एक पैसेंजर जो बस में बैठा होगा, वो आउटसाइड दी बस जो ऑब्जर्वर होगा, वो मूविंग बस में बैठा वो पैसेंजर, उसके लिए मोशन के स्टेट में होगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and comment also.